टू डेज लेक्चर इज अबाउट द लेंस लॉ बेसिकली लेंस लॉ आपका क्या बताता है दिस लॉ गिवस द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ यानी कि आपकी इंड्यूस्ड ई की पोलैरिटी को बताता है या फिर सीधे आप अगर कहें कि इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट जो आपका इंड्यूस हुआ है करंट उसकी ये डायरेक्शन देता है तो लेंस लॉ कैसे डायरेक्शन बताता है लेंस लॉ ये बताता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ई एम एफ इज़ इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द कॉज ऑफ़ इट्स प्रोडक्शन आप ई एम एफ इंड्यूस कहो या फिर आप आप कहो इंड्यूस्ड करंट यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट है या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन इन सच अ वे होगी कि वो जो आपकी डायरेक्शन है उसकी वो अपोज किसको करेगी इसके कॉज को ही अपोज कर देगी यानी कि जिस वे में आपका इंड्यूस्ड करंट आ रहा है उसी को उसी के कॉज को अपोज कर देगी यानी कि कहने का क्या मतलब है मीन्स इट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि इसकी डायरेक्शन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन इन सच अ वे होगी कि ये आपके चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को ही अपोज कर देगी अब ये ऐसे आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा तो इसी के अकॉर्डिंग ये अपोस करती करती है इसके कॉज को ही कॉज ऑफ प्रोडक्शन को ही सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका यहां पर क्या बन जाता है कि जो ई एम इंड्यूस्ड हो रही है आपकी कॉय में इक्वल टू हमने करा था माइनस आएगा आपका और डी डी फाई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और यहाँ पर माइनस आएगा अब ये माइनस साइन कौन देता है लेंस लॉ देता है कि उसकी डायरेक्शन कैसी Opposite होगी ऑपोजिट होगी यानी कि अपोज आप, आप, जो करेगी द कॉज ऑफ प्रोडक्शन इट्स प्रोडक्शन को अपोज करेगी तो ये लिखना है फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स ई एम एफ कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस एन नंबर ऑफ टर्न्स डी फाई अपॉन डी टी तो ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो माइनस साइन है ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूला में सो so, ये वाली जो चीज़ कही गई है उसको हम देखते हैं एक्चुअल में ये है क्या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसकरण कैसे देखी जाए सो फर्स्ट केस हमने लिया है इन दिस केस आपकी ये वाली कॉयल है और कॉयल के सामने आपका बार मैग्नेट रखा है और जो आपका नॉर्थ पोल है उसको आप अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हो यानी कि क्लोजर टू दिस कॉयल आप लेके जा रहे हो इस डायरेक्शन में तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी में भी पुलैरिटी अगर नॉर्थ पोल आती है वैसे आपको पहले भी बताई है ये चीज़ किसी में भी पोलैरिटी अगर आपकी नॉर्थ पोल की आती है तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होती है एन फॉर देखो यहाँ पर ये और ये चीज़ें एन के ये जो दोनों एंड्स है ये ऑपोजिट है सो दैट्स वाई यहाँ पर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आपका करंट आता है जिसका पोल यानी कि कॉयल का जिसका पोल आपका क्या हो नॉर्थ पोल एक्ट करे उसमें जो करंट आता है वो एंटी क्लॉक आता है जिस कॉयल का जो आपका फेस साउथ पोल की तरह अगर एक्ट कर रहा है तो उसमें क्या हो जाता है क्लॉक डायरेक्शन में आपका करंट आने लगता है जैसे साउथ पोल किस डायरेक्शन में देखो साउथ का जो एस है वो इधर को इधर को नोटेशन uh, दे रहा है और इधर को ये जा रहा है तो यानी कि ये क्या हो गया ये आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगा तो ये आपको बात पता होनी चाहिए सो so फर्स्ट जो केस है आपका उसमें नॉर्थ पोल को जब हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल को इसकी तरफ मूव करने पे क्या होगा लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जब आप जैसे इसका बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और वैसे भी आपको पता है नॉर्थ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पे आती है तो जब हम इसे जो बार मैग्नेट है उसको यहाँ से इधर मूव कर रहे हैं टुवर्ड दिस एंड टुवर्ड दिस कॉल को मूव करे तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या होगा कि यहाँ पे ऐसी पुलैरिटी बनेगी ओके okay? यहाँ पर ऐसी पुलरिटी आएगी जो कि इसी के कॉज को क्या करेगी अपोज करेगी तो मुझे बताइए कि यहाँ पर इस ये क्या आना चाह रहा है ये क्या कर रहा है इसका बेसिक नेचर क्या है ये आना चाह रहा है इधर इसके पास ठीक है तो इस इस वक्त इस पे इंड्यूस जो करंट की पुलैरिटी होगी यानी कि ई की, की पुलैरिटी होगी इन सच ए वे बनेगी सो so दैट वो इसको अपने पास नहीं आने देगा यानी कि कॉज ऑफ प्रोडक्शन को ही वो क्या करेगा अपोज करेगा तो आपका ये जो जो ये मैग्नेट है वो आना चाह रहा है इस तरफ को तो अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ यहाँ पे पुलैरिटी कैसे जनरेट हो जाएगी सो so दैट वो इसको अपोज करे इसको यहाँ आने ना दे जो ये इसका पाथ है ये इधर आना चाह रहा है उसको अपोज करे नहीं आने देगा तो कौन नहीं आने देगा जब नॉर्थ के साथ यहाँ पे पोलैरिटी आपकी नॉर्थ होगी तो दैट मीन पर induced EMF है उसकी पोलैरिटी नॉर्थ हो जाएगी जो जो करंट आएगा इसमें तो नॉर्थ पोल होता है उनमें आपके एंटी क्लॉक होगा दैट विल बी एंटी क्लॉक करंट इसमें एंटी क्लॉक वाइज आएगा ऐसे क्यों हुआ लेंस लो क्या बताता है देखो ये मूव फॉरवर्ड कर रहा है आगे आ रहा है तो इसको आगे नहीं आने दिया जाएगा लेंस लो वही बताता है जिसकी वजह से आपकी पोलैरिटी आ रही है उसी को रोक दिया जाता है उसी उसी प्रोडक्शन को आपको रोक दिया जाता है यानी कि कॉज को रोक दिया जाता है इसको ये आगे आके ही पोलैरिटी इसमें आ रही थी तो इसी को अपोज किया जाएगा यानी कि इसको आगे नहीं आने दो इसको आगे कब नहीं आने दोगे जब नॉर्थ के साथ नॉर्थ होगा नॉर्थ नॉर्थ रिपल करेगा राइट तो इसको आगे नहीं आने दिया जाएगा उसी तरह सिमिलरली अगर सपोज आप ये बार मैग्नेट हैं और इसको अवे फ्रॉम द कॉयल मूव करवा रहे हो पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में आप मूव करवा रहे हो तो इन इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ यहाँ पे ऐसी पोलैरिटी आएगी सो so दैट इसके कॉज को ही अपोज़ कर दे यानी कि ये कहाँ जाना चाह रहा है ये अपना आराम से पीछे जा रहा है तो पीछे नहीं जाने देगी ना ज़्यादा पास आने देगा ना ज़्यादा दूर जाने देगा तो ये दूर जा रहा है दूर भी नहीं जाने देगा तो दूर कब नहीं जाने देगा जब नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए साउथ आ जाए ओके okay, अगर इसकी पोलैरिटी साउथ बन गई तो दैट मींस आपको क्या दिखेगा यानी कि इस वाले इस वाले फेस में जो नॉर्थ के साथ वाला ये वाला फेस होगा इसका कॉयल का ये वाला आपका फेस होगा वो कैसा दिखेगा वो आपको क्या है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा दैट मींस नॉर्थ साउथ यानी कि क्लॉक डायरेक्शन में आपको करंट नजर आएगा तो दैट मीन्स आपकी ये क्या हो गई कि आपकी पोलैरिटी क्लॉक डायरेक्शन में हो गई राइट right? तो करंट यहाँ पर क्या आएगा करंट यहाँ पर क्लॉक आएगा और यहाँ पर जो है नॉर्थ की वजह से जो करंट है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आएगा सो दैट मीन्स आपने क्या समझा कि अगर आप अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पे मान लीजिए साउथ आता इसका ऑपोजिट मैं करती हूँ अगर आपने यहाँ पे साउथ रखा होता और यहाँ पर आपकी कॉयल होती तो इसे अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे होते तो अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ वो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज़ करती है यानी कि इसके जो कॉज ऑफ़ प्रोडक्शन है उसको अपोज़ करेगी यानी कि आप साउथ इधर को लेके जा रहे हो तो यानी कि यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में इसको नहीं आने देगी ओके okay? इस डायरेक्शन में आने की वजह से ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था और इस पर करंट प्रोड्यूस हो रहा था इंड्यूस्ड हो रहा था करंट तो इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को ही अपोज कर देगी यानी कि इसे आगे नहीं जाने देगी तो इसे आगे कब नहीं जाने दिया जाएगा जब साउथ को रिपेल करने के लिए यहाँ पर भी साउथ बन जाएगा तो दैट मीन्स यहाँ पर साउथ आएगा और यहाँ पर क्लॉक डायरेक्शन में करंट आएगा इसी का ऑपोजिट अगर यहाँ पर नॉर्थ ना होके यहाँ पर क्या होता दोबारा से यहाँ पर साउथ होता और यहाँ पर नॉर्थ होता एंड हम इससे यहाँ से जो कॉयल है उससे हम ऑपोजिट मूव करवा रहे होते हैं सो इन दैट केस आपका क्या होता कि फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है और ये क्या है आपका ये पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है ओके okay? फ्लक्स आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये क्या करेगा अब इसको पीछे भी नहीं जाने देगा यानी कि ना ज़्यादा पास आने देगा ना ज़्यादा इसको दूर जाने देगा तो दूर ना जाए ये बहुत दूर ना जाए इसके लिए ये क्या करेगा कि जो साउथ है यहाँ पर उसका ऑपोजिट पार्ट यानी कि नॉर्थ यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको दूर भी नहीं जाने देगा अपनी तरफ खींचेगा तो नॉर्थ है तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में यहाँ पर करंट आएगा ये बताता है आपका लेंस लॉ ओके यानी कि लेंस लॉ एक तरह का बैलेंस क्रिएट करके रखता है ना ज़्यादा दूर जाने देगा ना ज़्यादा पास आने देगा यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज को आपका अपोज करेगा सो फर्स्ट में हमने वही चीज लिखी है व्हेन द मैग्नेट इज ब्रॉड क्लोजर टू द सर्कुलर कॉयल फ्रॉम द नॉर्थ पोल जब आप क्लोजर लेके आ रहे हो विल बी इंड्यूस्ड इन द दॉय किस डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ पोल में सो नॉर्थ पोल है तो इसका मतलब इट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हेंस करंट इज इंड्यूस्ड इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा और व्हेन करंट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉयल अगर आपको ये जो मैग्नेट आपका मैग्नेट है उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओगे तो क्या होगा कि देर विल बी इंड्यूस टी एम एफ इन द कॉय एज साउथ पोल तो आपका यहां पे साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा राइट एज इट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और ऐसा क्यों हो रहा है साउथ आने की वजह से वो मैग्नेटिक फ्लक्स देखो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा था इसको दूर ले जाने में तो अगर ये दूर नहीं जाने जाने देगी ये साउथ की वजह से दूर नहीं जाने देगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज नहीं आएगा तो इस वजह से वो अपोज करता है हेंस करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा थैंक यू सो मच होपफुली आपको समझ आया होगा